Hello guys, if you like my channel, please don't forget to subscribe and hit this bell icon so that you can get notified. Hello everyone, you are most welcome again on my channel. आज हम बात करने वाले हैं अल्बर्ट कैमू के बारे में. कुछ लोग इसे कैमस भी पढ़ते होंगे, बट इसका नाम है अल्बर्ट कैमू. ये एक फ्रेंच अल्जीरियन फिलोसोफर थे. इनकी तीन नॉवल थी. जो पहली नॉवल है वो है द आउटसाइडर, दूसरी द प्लेग और द फॉल. ये आई थी 1942, 1947 और 1956 में. द आउटसाइडर ये काफी इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसमें कि उन्होंने अपनी फिलोसॉफी को बताने की कोशिश की कि वो क्या सोचते थे लाइफ के बारे में. इसके बारे में मैं आप लोगों को छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि जो मैक्सो इसका हीरो है. हीरो एक इंसान को मार देता है और उसे ही वॉज कंडेम टू डेथ एंड हिज लास्ट विश वॉज पीपल्स क्राउड. कि उन्होंने कहा कि लोग मुझे आए, मुझे देखे मरते हुए, जब मुझे फांसी दी जाए. ठीक है, इस लाइन की जो ओपनिंग इस नॉवल की ओपनिंग लाइन जो है वो है टुडे मदर डाइड और मे बी यस्टरडे, आई डोंट नो. एक्चुअली फिलोसफी के बारे में मैं इन डेप्थ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा. इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को फैक्ट्स दे रहा हूं. उनकी जो टू फिलोसॉफिकल एसेज हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, द मिथ ऑफ सिसिपस. सिसिपस के बारे में आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसा इंसान है ग्रीक फिलोसॉफी में जिसमें कि ये बोला जाता है कि ये आदमी जाता है एक पत्थर लेके चोटी पर और वहां से बिगेस्ट स्टोन टू हिल एंड सी रोलिंग डाउन इट. उस पत्थर को नीचे गिरते हुए देखता है, दैट सिंपल. तो जो वर्क है 1942 हम देख सकते हैं आउटसाइडर और ये जो फिलोसॉफिकल ऐसे हैं एक ही ईयर में आए थे. द रेबल दूसरा 1951. द मिथ ऑफ सिसिफस की ओपनिंग लाइन है काफी हम कह सकते हैं थॉट प्रोवोकिंग लाइन है, जिसमें बोला गया है कि देयर इज बट वन ट्रूली सीरियस फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम एंड दैट इज सोसाइटी. जजिंग वेदर लाइफ इज और इज नॉट वर्थ लिविंग, दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ फिलोसॉफी. ये फंडामेंटल फिलोसॉफी का जो क्वेश्चन है वो यही है कि लाइफ जीनी भी चाहिए या नहीं जीनी चाहिए. कहीं ना कहीं हम इन वर्ड्स के बारे में एब्सर्ड, एग्जिस्टेंशियलिस्ट, एब्सर्ड, नाइलिज्म, इन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे फिलोसॉफी में. अगर आप लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता तो पिछले वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा. इस वर्क में जो है आपका द आउटसाइडर, उसमें एक टर्म जो कि रिलेटेड है एनमी, एमली डर्कैन ने इस टर्म को दिया था, वो कि एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें कि हम कहते हैं कि एक आदमी है जो लिस्टलेस, अफेक्टलेस और एलिनेटेड फील करता है. ऐसी कंडीशन को हम एनमी कहते हैं. कहने का मतलब आप किसी के साथ पे बैठे हुए लेकिन फिर भी उन लोगों से अफेक्टलेस, अफेक्टेड फील नहीं कर रहे. मीन्स आप बिल्कुल ये समझ रहे हैं मैं बिल्कुल अलग हूं. यही कंडीशन किसकी है, मैक्सो की है. मैक्सो अपनी चारों तरफ लोगों को देखता है और वो सोचता है कि ये लोग बिल्कुल सारे हिपोक्रेसी, फुल ऑफ हिपोक्रेसी है. ठीक है, सो दैट इज दीज आर वी कैन से द फैक्ट्स अबाउट यू नो अल्बर्ट कैम्यू. एंड लेटर इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग अबाउट द फिलोसॉफी इन डेप्थ. सो इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक दिस एंड टेल मी इन कमेंट बॉक्स. बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो.